हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 2.5% के आसपास का मूव यहां पर देखने को मिला है। वॉल्यूम में हालांकि खासा गिरावट है। जितना छोटा स्टॉक है हमारा और जितनी बड़ी कंपनी है, अक्सर यहां पर लगभग 250, 300, 500 मिलियन का वॉल्यूम यहां पर ट्रेड होता रहा है। अच्छे बाजार में यहाँ पर 1 बिलियन का भी वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। बट आज के दिन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 158 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो कि कंपेयर टू प्रीवियस डेज बहुत ज्यादा लो है। लगातार यहाँ पर वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। बाजार में कल बहुत तेजी से गिरावट हुई थी और उसको ही फॉलो किया था वोडाफोन आइडिया जैसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स ने। कल अगर फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर्स में बहुत तेजी से गिरावट हुई थी। बैंक निफ्टी में मोर देन 5% की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप 50 में 7% से ज्यादा की गिरावट थी। आप सोच सकते हैं कि इंडेक्स में 7% से ज्यादा की गिरावट का क्या मतलब है। बट वहीं आज आप देखेंगे तो बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी है, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। ठीक ठाक रिकवरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना बाजार में गिरावट थी, जितना लोगों के मेल्स आए, मैसेजेस आए हमारे पास कि यार यहाँ पर गिरावट हो गई, कोविड का डर है। और हमने कल भी आपको वार्न किया था, पहले भी आपको वार्न किया था कि कोविड को ओवरली एस्टिमेट करना बंद करो। कोविड का असर जरूर है मार्केट में, कोविड की वजह से गिरावट जरूर हो रही है, बट सिर्फ कोविड की वजह से गिरावट नहीं है। अगर कोविड की वजह से गिरावट होती तो आज ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी बड़ा, बहुत बड़ा, कि जिसकी वजह से कोविड खत्म ही हो गया हो या फिर केसेस आना बंद हो गए हैं या फिर लोग उसकी वजह से परेशान होना या मरना बंद हो गए हो। सब कुछ सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज आई है हमारे सामने वो कुछ और है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोविड है तो कोविड का इलाज भी है हमारे पास। तो बात करेंगे इस वीडियो में, वोडाफोन की एक बड़ी डील गूगल के साथ हुई है, उस पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कोविड को किस तरह से देखना है, किस तरह से हैंडल करना है, क्या कुछ करना है आने वाले दिनों में, क्या स्ट्रेटेजी हो स्टॉक मार्केट को लेकर के। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या खरीदारी करके चलो, खरीदारी करते हैं तो कब तक हमारा स्टॉक डबल डिजिट में, 3 डिजिट में आने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की, देखो 8 रुपए 9 रुपए का स्टॉक है हमारा, 2.5% 3% के आसपास का मूव यहाँ पर इंट्राडे में देखा जा सकता था। 2.5% के आसपास की यहाँ पर मूव का क्लोजिंग भी आई है, ठीक ठाक क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। 9 रुपए तक भी हमारा स्टॉक गया था, 9 रुपए का हाई लगाया था। डाउन साइड पर अगर हम बात करें तो ओपनिंग में ही 8.75 रुपए के आसपास था, उसके बाद उस लेवल पर नहीं आया, एक ठीक ठाक वॉल्यूम आया है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। और जिस तरह से बाजार में गिरावट है उसको देखते हुए ठीक ठाक वॉल्यूम हम कह सके। 2 बड़ी खबरें हैं हमारे पास, दोनों की ही चर्चा करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर हमारे सामने है कि ग्रोथ इन टेलीकॉम अरपू लाइकली टू ड्राइव इंडस्ट्री रेवेन्यू एंड मार्जिन। इकरा ने बोला है, ICRA ने बोला है कि यहाँ पर लगातार अरपू रेशियो में, अरपू रेट में, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस हिसाब से यूजर्स को लगातार 2G से 4G में कन्वर्ट किया जा रहा था, उससे फोन यूसेज बढ़ा है उनका, जिससे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू पर शेयर भी बढ़ा है यहाँ पर यूजर, तो 220 रुपए तक पहुंच गया है ये इन द मीडियम टर्म, विच विल सस्टेन द इंडस्ट्रीज स्टडी रिकवरी एंड लीड टू ग्रोथ इन रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिन्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा सेड ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को ये रिपोर्ट आई, मंडे को ICRA ने बोला कि यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अच्छी अरपू रेट आ चुका है हमारा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में, देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री इस समय पर लॉस में चल रही है, जैसे एक समय पर एनर्जी सेक्टर हमारा लॉस में हुआ करता था, वैसे ही इस समय पर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है हमारी वो लॉस में चल रही है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो टाटा टेली सर्विसेज हो या फिर जियो हो। जो मेन बिजनेस है इन सभी कंपनीज का, यानी कि यूजर्स कनेक्टिविटी का जो बिजनेस है इनका, वो लॉस मेकिंग सेगमेंट है हमारा, और चाहे वो किसी का भी हो, चाहे जियो का हो। ऐसा नहीं कि जियो अगर लो लेवल पर हमें डेटा दे रहा है या कॉलिंग दे रहा है तो वहाँ वो प्रॉफिट कर रहा है, नहीं, वो भी लॉस कर रहा है। तो वो चीज अब यहाँ पर खत्म होने की उम्मीद कर सकते हो आप, क्योंकि आरपू रेट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन का आरपू रेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जब ग्रोथ हुई थी तिमाही में इसका रेट आता है, तिमाही में फिर पता लगता है, तो इस तिमाही का भी पता लगेगा। जैसा ICRA ने बोला है कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें, रेवेन्यू में और मार्जिन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो सेकंड खबर जो है हमारे सामने वो ये है कि वोडाफोन आइडिया इंटीग्रेट्स कस्टमर सपोर्ट चैट बोट विद गूगल बिजनेस मैसेजेस। ठीक है, गूगल बिजनेस का भी अपना एक मैसेज सेंटर होता है, और कस्टमर मतलब वोडाफोन का भी अपना कस्टमर सपोर्ट चैट बोट था, कि मतलब AI पावर्ड अब VIC कर दिया गया वोडाफोन आइडिया, इज एनेबल्ड विद लाइव एजेंट कनेक्ट फॉर असिस्टेड सर्विसेज विच इज एक्सटेंडेड टू गूगल बिजनेस मैसेजेस टू। ठीक है, अगर आप वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं कोई, या फिर आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आप जानते हैं कि GoDaddy वगैरह से अगर आप बाय करते हैं, या किसी और होस्टिंगर वगैरह से अगर आप अपनी होस्टिंग बाय करते हैं,
तो वहां पर आपको सपोर्ट मिलता है चैट बोट का, मतलब वहां पर आप मैसेज करो, व्हाट्सएप वगैरह पे कर सकते हो आप मैसेज, और वहां पर पहले चैट बोट मतलब रोबोटिक से बात करते हो, फिर अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो वहां पर फिर वो नॉर्मल एजेंट से कनेक्ट करो, तो लाइव एजेंट से कनेक्ट करवा देता है आपको। तो वही एक चीज वोडाफोन आइडिया लेकर के आया है कि बार बार कॉल ना करना पड़े, आप मैसेज करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया अच्छी रिकवरी के साथ वीआईसी चैटबॉट जा रहा है इसे विद गूगल बिजनेस मैसेजेस, तो लगातार यहाँ पर 24/7 रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट मिलेगा यूजर्स को। और ये चीज देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप खबरें पढ़ते हैं तो सिर्फ खबरों को एक न्यूज की तरह, एक दिन की न्यूज की तरह मत पढ़ो, उस खबर को पढ़ो आप कि कंपनी का प्लान है, वो आपके लिए खबर है। आप सोचिए कि वोडाफोन आइडिया ने कितनी मेहनत की होगी इस खबर को लाने में, कितना इनका कौन कौन सी रिसर्च टीम लगी होगी कि गूगल बिजनेस का जो मैसेज सेंटर है वो इतना एफिशिएंट है भी या नहीं, और फिर डील हुई, फिर पार्टनरशिप हुई, पैसे पे किए इन लोगों ने, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हुई है। तो उसका आपको प्लान के तौर पर देखना पड़ेगा, फिर इसका रिजल्ट का भी वेट करना पड़ेगा। बट खबरें अच्छी हैं, खबरें अच्छी हैं तो उसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया में अच्छी खबरें आना दोबारा शुरू हुई है। काफी बड़ी खबरें पिछले दिनों भी आई थी जिससे हमने आपको वाकिफ करवाया था, और उसके बाद दोबारा से अच्छी खबरें आ रही हैं। बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी है, निफ्टी 50 आप देख लीजिए, सेंसेक्स में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है, तो अच्छी रिकवरी लगातार बाजार में भी बनी है। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाना है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्केट अभी भी वोलेटाइल रहेगा, मार्केट अभी भी रेंज बाउंड रहेगा, अनटिल और अनलेस कोरोना का के ऊपर कंट्रोल ना कर लिया जाए तब तक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहने वाला है मार्केट में। सतर्क रहना है, बेचना नहीं है, बने रहना है मार्केट में, खरीदारी कर सकते हैं बट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए FII DII का डेटा देखेंगे तो कल के दिन में जब गिरावट हुई थी बहुत भारी भरकम, तब भी DII ने 232 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा है। FII ने हालांकि बिकवाली की है 1746 करोड़ की, बट फिर भी DII की तरफ से बिकवाली मतलब खरीदारी हुई है। अब एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको कि अगर बिकवाली हो रही है FII की तरफ से तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेच के निकल रहे हैं लोग, 6500 करोड़ का माल खरीदा भी था इन लोगों ने और 8000 करोड़ के आसपास का माल बेचा था। तो ओवरऑल जहां टारगेट पूरा होता है वहां माल बेच देते हैं, जहां पर उनको लगता है कि सस्ता मिल रहा है वहां पर माल खरीद लेते हैं। वही एक चीज आपको भी करनी है, लॉस में माल नहीं बेचना है, होल्ड करके चलना है, होल्ड करेंगे तो पैसा बनेगा, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे वो टाटा मोटर्स हो। ठीक है, लोअर साइड पर 8.75 रुपए का सपोर्ट लेकर के आपको बने रहना है मार्केट में, अपर साइड पर 9.90 रुपए का, 10 रुपए का हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। लगातार इसी रेजिस्टेंस के पास अगर स्टॉक हमारे रुकते हैं और इसी रेजिस्टेंस के आसपास हमारे ट्रेड करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। उसके बाद स्टॉक जल्दी ही ब्रेक करेगा हमारा, और काफी बड़ी खबरें आना स्टार्ट हुई तो मुझे लगता है कि जल्दी ही वोडाफोन आइडिया हमें एक अच्छे लेवल के बाहर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, टेक्निकल्स अभी भी हमारे बहुत लोअर साइड पर है। RSI हालांकि हमारा 37 का RSI यानी प्राइस मोमेंटम काफी ठीक ठाक है। मैग्डी की बात करें तो मैग्डी अभी भी हमारा बेयरिश मोमेंटम में है, तो कोई बहुत अच्छी रिकवरी अभी होने की उम्मीद नहीं है, अंडर प्रेशर ही परफॉर्म करने वाला है मार्केट भी और वोडाफोन आइडिया भी। बट खबरें अच्छी हैं, खबरें अच्छी हैं तो इसका मतलब आने वाले दिनों में रेवेन्यू बढ़ेगा जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उससे ही आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो खरीदारी करके चले, खरीदारी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट होल्ड करो स्टॉक को, होल्ड करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर बनाओगे आने वाले दिनों में। इसी के साथ वीडियो खत्म करते, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए नंबर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस अगर पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।